वेलकम टू सोशल। एपी ढिल्लो इज प्रोबेबली द मोस्ट ट्रेंडिंग सिंगर दीज डेज। उनका और उनके बैंड का म्यूजिक इज समथिंग दैट हैज रीच्ड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड। हर कोई उनके सॉन्ग्स को सुनना पसंद करता है, इरिस्पेक्टिव कि उन्हें पंजाबी समझ आती हो या नहीं। दैट इज व्हाई इट इज सेड म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, इट जस्ट हैज फीलिंग्स। नाउ टॉकिंग अबाउट एपी ढिल्लो, एक्सेप्ट इज म्यूजिक, फैंस को उनकी बैक स्टोरी के बारे में नहीं पता है। सो हियर वी आर टेलिंग यू थिंग्स दैट नो वन टॉक्स अबाउट। इस वीडियो में हम आपको एपी ढिल्लो से जुड़े 20 फैक्ट्स बताएंगे दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड हिम एंड हिज म्यूजिक बेटर। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 20, एपी ढिल्लो का बर्थ 10th जनवरी 1992 को गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। वैसे तो आज एपी ढिल्लो अपने सॉन्ग्स की वजह से मासेस में काफी पॉपुलर हैं, बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो हिज रियल नेम। लेट अस टेल यू हियर कि एपी ढिल्लो का रियल नेम अमृतपाल सिंह ढिल्लो है। नंबर 19, एपी चाइल्डहुड से ही पंजाबी फोक म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने काफी कम एज में ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर दिया था। उनकी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं थी कि वो म्यूजिक को प्रोफेशनली सीख सकें। एपी ने अपने चाइल्डहुड में जो भी म्यूजिक के बारे में सीखा वॉज बाय लिसनिंग टू पॉपुलर सिंगर्स लाइक गुरदास मान। नंबर 18, ड्यूरिंग हिज ग्रोइंग अप ईयर्स एपी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली फॉलो करते थे। ये वो टाइम था जब पंजाब के कई फेमस सिंगर्स जैसे कि हनी सिंह और दिलजीत दोसांझ के सॉन्ग्स पूरे इंडिया में पसंद किए जा रहे थे। एपी ने इनके म्यूजिक की पॉपुलैरिटी को देखकर रियलाइज किया कि पंजाबी म्यूजिक और हिप हॉप एक बहुत ही सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है। नंबर 17, एपी ने फिर कई इंटरनेशनल सिंगर्स को भी सुनना शुरू किया। उनके फेवरेट्स में ट्यूपैक, नास, स्नूप डॉग जैसे आर्टिस्ट हैं। एंड इफ यू लिसन टू हिप हॉप म्यूजिक यू कैन क्लियरली सी कि उनके कई गाने इन्हीं आर्टिस्ट के म्यूजिक पर सैम्पल्ड हैं। नंबर 16, एपी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, एपी स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। उनको चाइल्डहुड से ही बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है और उन्होंने अपने स्कूल को बास्केटबॉल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रिप्रेजेंट किया था, इसीलिए उनके गोट सॉन्ग में यू सी हिम प्लेइंग बास्केटबॉल एज वेल। नंबर 15, अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद एपी ने सिविल इंजीनियरिंग करने का डिसीजन लिया। उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यहाँ भी वो पढ़ाई के साथ साथ अपने सिंगिंग के पैशन को भी फॉलो करते रहे। इनफैक्ट उन्होंने अपने कॉलेज के कई एनुअल फंक्शंस और फेस्ट्स में भी परफॉर्म किया था। नंबर 14, आफ्टर कम्प्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन एपी ने फर्दर स्टडीज के लिए कैनेडा जाने का डिसीजन लिया था। उन्होंने कैनेडा में MBA की पढ़ाई की और उसके बाद वो वहीं पर जॉब भी करने लगे। एपी की सबसे पहली जॉब कनाडा के एक गैस स्टेशन यानी कि एक पेट्रोल पंप पर थी। कुछ टाइम यहाँ काम करने के बाद एपी ने अपनी जॉब चेंज कर ली और वो एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की एजेंसी बेस्ट बाय में काम करने लगे थे। नंबर 13, जैसा कि हमने आपको एपी की जॉब्स के बारे में बताया, बिल्कुल उसी तरह की जॉब्स कनाडा में भी बहुत से इंडियंस अपने स्टार्टिंग ईयर्स में करते हैं। एपी ने इसी एक्सपीरियंस को अपने सॉन्ग ब्राउन मंडे में भी दिखाया है। इस सॉन्ग में तीनों आर्टिस्ट को आप डेली वेज जॉब्स करते हुए देखते हैं। दिस सॉन्ग इज अ ट्रिब्यूट टू ऑल द इंडियंस हु वर्क हार्ड फॉर देयर सर्वाइवल इन अ फॉरेन कंट्री। नंबर 12, कनाडा में ही एपी की मुलाकात हुई विद आर्टिस्ट लाइक गुरिंदर गिल, शिंदा खालो एंड जी माइनर। ये तीनों ही म्यूजिक के लिए पैशनेट थे और साथ मिलकर कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जैमिंग सेशंस करना शुरू किया विद दे गॉट टू नो ईच अदर बेटर एज आर्टिस्ट। देखते ही देखते दे डिसाइडेड टू मेक अ बैंड जहां चारों एक साथ कोलैबोरेट करके सॉन्ग्स क्रिएट करने लगे। नंबर 11, फाइनली इन 2019 आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड पेशेंस एपी को अपना पहला गाना रिकॉर्ड करने का मौका मिला। इस गाने का नाम था फेक, जिसको लिखा था लिरिसिस्ट शिंदा खालो ने और प्रोड्यूस किया था जी माइनर ने। दिस वॉज अ सॉन्ग जिसकी म्यूजिक वीडियो नहीं बनाई गई थी एंड इट वॉज जस्ट एन ऑडियो रिलीज। नंबर 10, एपी ढिल्लो की पहली म्यूजिक वीडियो अपीयरेंस हुई इन द सॉन्ग फरार। इस गाने में गुरिंदर गिल और शिंदा खालो भी फीचर होते हैं। जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था देन एवरीवन थॉट दैट इट विल बी अ ह्यूज हिट, पर ऐसा नहीं हुआ। आज भी ये सॉन्ग एपी के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग्स में से है। नाउ इट हैज मेनी व्यूज बट ड्यूरिंग दैट टाइम इस गाने को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। नंबर 9, सॉन्ग डेडली वो पहली वीडियो थी जिससे एपी को पॉपुलैरिटी मिली थी। ये सॉन्ग रिलीज होते ही लिसनर्स में एक इंस्टेंट हिट बन गया था। लोगों ने गाने के लिरिक्स और एपी की सिंगिंग स्टाइल को काफी पसंद किया। इस ट्रैक को इंटरनेशनली भी काफी सक्सेस मिली, जहां इस सॉन्ग को यूके एशियन चार्ट्स पर नंबर 11 स्पॉट मिला, वहीं यूके पंजाबी चार्ट्स पर नंबर 5 स्पॉट।
एक नए म्यूजिक बैंड के लिए यूके चार्ट्स पर आना एक बड़ी अचीवमेंट थी। नंबर 8, डेडली का म्यूजिक टूपैक के फेमस सॉन्ग पिक्चर में रोलिंग से सैंपल किया गया है। If you don't know, sampling is something that is quite common in hip-hop music. किसी भी गाने की एक बीट से इंस्पायर होकर एक नई बीट बनाई जाती है जो सुनने में सिमिलर होती है। Sampling is something that all great hip-hop artists have done and it is a very common thing. Dr. Dre, 50 Cent, Eminem, इन आर्टिस्ट के भी कई सॉन्ग्स पुराने गानों से सैम्पल्ड हैं। नंबर 7, एपी ढिलो का ब्रेक थ्रू सॉन्ग रहा ब्राउन मुंडे। ये गाना सितंबर 2020 में आया था और जैसे ही गाना ड्रॉप हुआ इट बिकेम अ सेंसेशन। ये गाना हर जगह वायरल था और सबने इसे बहुत पसंद किया। ये गाना एक वेव की तरह था जहां एवरीवन कनेक्टेड विद इट। ब्राउन मुंडे इज द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ देयर बैंड और यूट्यूब पर भी इट इज देयर मोस्ट व्यूड सॉन्ग। इस गाने पर आज अराउंड 450 million प्लस व्यूज है एंड दिस इज जस्ट ह्यूज। नंबर 6, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्राउन मुंडे की बीट एक YouTube क्रिएटर से ली गई है। चैनल का नाम LH Instruments है जहां हिप हॉप बीट्स क्रिएट की जाती हैं। उनकी ही एक बीट का लाइसेंस लेके ब्राउन मुंडे का म्यूजिक बनाया गया था। नंबर 5, एपी ढिलो का म्यूजिक फीमेल लिसनर्स में भी पॉपुलर है। एपी का सॉन्ग इनसेन इज अ हार्ड हिटिंग सॉन्ग अबाउट लव एंड इट्स डार्क रियलिटीज। वहीं माँ बेले इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग अबाउट फॉलिंग इन लव विद समवन। ये दोनों ऐसे सॉन्ग्स थे जो फीमेल लिसनर्स में बहुत पॉपुलर है। नंबर 4, 2021 में एपी ने एक मैसिव इंडिया टूर भी किया था जहां पर उन्होंने कुछ 7 सिटीज लाइक चंडीगढ़, मुंबई, गोवा और दिल्ली में भी लाइव परफॉर्म किया था। ये टूर काफी सक्सेसफुल रहा एज बहुत सारे फैंस एपी को लाइव परफॉर्म करते हुए देख सके। इस टूर में फैंस के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज भी दिखे, फॉर एग्जाम्पल रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, सारा अली खान एंड इवन सारा तेंदुलकर। दिस जस्ट एक्सप्लेन्स कि एपी के म्यूजिक का ट्रेंड इंडिया में कितना ज्यादा है। नंबर 3, एपी ढिल्लो के क्रेज को देखने के बाद देयर आर अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स कि जल्द ही उनके गाने बॉलीवुड फिल्म्स में भी सुनने को मिलेंगे। वेल, इन आवर ओपिनियन इट्स ग्रेट दैट एपी एंड द होल बैंड इज गेटिंग रिकॉग्निशन, बट बॉलीवुड शायद उनके म्यूजिक के लिए सही प्लेटफॉर्म ना हो। दे हैव ऑलरेडी मेड इट बिग एंड पीपल लव देयर म्यूजिक, इसलिए बॉलीवुड फिल्म्स में उनके गाने शायद उतनी अच्छी तरह पिक्चराइज ना किए जाएं जिस तरह से उनकी टीम ओरिजिनल म्यूजिक वीडियोस को करती है। This was just our opinion. You also let us know that do you think AP Dhillo and the band should sing for Bollywood? Do let us know in the comments. Number 2. इतने पॉपुलर होने के बाद भी एपी ढिल्लो इज वेरी ग्राउंडेड। आज तक उन्होंने कभी भी कोई बड़ा इंटरव्यू किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं दिया है। दिस इज सो स्ट्रेंज बिकॉज फेमस होने के बाद एवरीवन इज इन द मीडिया, बट एपी ढिल्लो फील्स कि उन्हें मीडिया लाइमलाइट से दूर रह के बस अपने म्यूजिक पर ही फोकस करना है। इन आवर ओपिनियन दिस इज अ ग्रेट अप्रोच। नंबर 1, एपी और उनके बैंड का म्यूजिक कुछ ऐसा है कि शुरुआत में वो पॉपुलर नहीं हुआ और अब जाके उनके हर एक गाने को अटेंशन मिल रहा है, जस्ट लाइक देयर सॉन्ग एक्सक्यूजेस। इस गाने की फेमस लाइन कैंदी हुंदी सी हैज बिकम अ मीम ट्रेंड एंड एवरीवन सीम्स टू बी लविंग इट। मैटर ऑफ फैक्ट, वी आल्सो गॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर सीइंग द ट्रेंड ऑफ दिस सॉन्ग। इट्स डेफिनेटली कैची एंड द म्यूजिक वीडियो इज रेट्रो। अगर आपने इसकी म्यूजिक वीडियो नहीं देखी है देन वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट। ऑल्सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट शुड बी गिवन टू गुरिंदर गिल एंड शिंदा खालो फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सॉन्ग्स। विदाउट देम एपी वुडंट हैव बीन दिस पॉपुलर। वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि आपके टॉप 3 एपी ढिल्लो सॉन्ग्स कौन से हैं। वी नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट स्टिल यू कैन ट्राई एंड लेट अस नो। टीम सोशल इज ऑल्सो टेलिंग यू अबाउट देयर फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ एपी ढिल्लो। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। You also let us know your favorite top 3 as well. तो चलिए, that's a wrap on this video. आप हमें Instagram, Twitter और Facebook पर भी follow कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।